हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक राय सोनी टीम लर्निंग मॉम फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत कर दो। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर का सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड सेकेंड कार्डियक साइकिल। शुरू करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम से, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद हम जाएंगे कार्डियक साइकिल पे। तो बच्चे लोग, सबसे पहले कंडक्टिंग सिस्टम। हम शुरुआत में एक हार्ट के रफ आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बच्चे लोग हमारा एक रफ आउटलाइन ऑफ द हार्ट। ह्यूमन हार्ट चार चैम्बर है, हमें पता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट के हमारे चार चैम्बर्स। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट क्या होता है बच्चे लोग? मायोजेनिक। आप पूछोगे सर मायोजेनिक मतलब क्या? मायोजेनिक का मतलब होता है कि ह्यूमन हार्ट को दिल को धड़कना है, पंप करना है, उसके लिए जो सिग्नल मिलता है, ये सिग्नल कहाँ से आता है? खुद हार्ट ही हार्ट को सिग्नल देता है कि भाई साहब अब तुझे ब्लड पंप करना है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है ब्रेन, बट हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसे वो खुद कंट्रोल करता है, जिसे वो खुद कहता है कि कब उसे काम करना है और कब उसे काम नहीं करना। हार्ट एक बार शुरू हो गया बचपन में, फर्स्ट हार्ट बीट कब सुनाई देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नीट का एमसीक्यू है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देती है सिक्स वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, तब से लेके आदमी मरने तक हार्ट को काम करना है। हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ये कौन कंट्रोल करेगा? खुद हार्ट। इसलिए ह्यूमन हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक। अब कैसे कंट्रोल करता है ये सब, वही हमें देखना है, उसे ही हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो कंडक्टिंग सिस्टम में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें सीखना है वो है बच्चे लोग, उसका नाम है एस ए नोड। नाम क्या है बच्चे लोग? एस ए नोड। अब आप पूछोगे सर एस ए नोड क्या होता है? एस ए नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या काम करेगा? साइनो एट्रियल नोड ये है पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या है? पेसमेकर। पेसमेकर बोले तो बच्चे लोग ये एक्चुअली हमारी जो कार्डियक इंपल्स है ये इनिशिएट करता है। इट जनरेट्स एंड इनिशिएट्स द कार्डियक इंपल्स, मतलब दिल को धड़कना है, ये सिग्नल कौन शुरुआत करेगा? एसए नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड। इट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट विच इनिशिएट्स द कार्डियक इंपल्स। इनिशिएट्स द कार्डियक इंपल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है बच्चों लोग, हमें याद रखना है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज एसए नोड। एसए नोड डिसाइड करेगा हार्ट को कब धड़कना है। उसके बाद एसए नोड से जो इंपल्स जनरेट होती है वो आगे जाके पास होती है, बच्चे लोग एक और उसी की तरह स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एवी नोड। जिसका नाम क्या है? एवी नोड। और एवी नोड को हम कहते हैं पेसेटर। एवी नोड को बच्चे लोग हम क्या कहते हैं? पेसेटर। एसए नोड इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट व्हाइल एवी नोड इज द पेसेटर ऑफ द हार्ट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है एसए नोड इंपल्स शुरू करेगा, इंपल्स को रिदम देगा, एक स्पीड देगा एवी नोड। तो एवी नोड होता है पेसेटर ऑफ द हार्ट। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, पेसमेकर हर कोई याद रखता है, पेसेटर भूल जाता है। तो आपको याद रखना है पेसमेकर एसए नोड, पेसेटर एवी नोड, दोनों के दोनों कहां पे लोकेटेड है? ये दोनों भी लोकेटेड है राइट एट्रियम में। कहां पे लोकेटेड है? राइट एट्रियम में। उसके बाद एवी नोड से जो आगे इंपल्स लेके जाएगा, कौन लेके जाते हैं बच्चे लोग, आपको पता है? ये लेके जाने का काम करेगा ये जो ब्लू कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये है बच्चे लोग बंडल ऑफ हीज। ये क्या है? बंडल ऑफ हीज। एवी नोड से आगे जो इंपल्स लेके जाने का काम करता है वो होता है बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज कहां पे है? दो वेंट्रिकल के बीच वाले पार्ट में। कहां पे है? दो वेंट्रिकल के बीच वाले पार्ट में, जिसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या सल्काय। इंटर वेंट्रिकुलर सल्काय, इसमें होता है बंडल ऑफ हीज। और बंडल ऑफ हीज से छोटे छोटे फाइबर्स वेंट्रिकल के वॉल के अंदर जाएंगे। कौन सा कलर ले लूं मैं? व्हाइट कलर ले लेता हूं। और ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं बच्चे लोग
परकिंजी फाइबर्स, सबसे छोटे कौन से फाइबर्स है, परकिंजी फाइबर्स, ये कहां पे होते हैं, इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स, कहां पे है, इनसाइड वेंट्रिकुलर वॉल्स। तो जो इंपल्स शुरू किसने किया था, एस एनोड ने, वो फाइनली कहां पे पूछा, वेंट्रिकुलर वॉल्स पे, और अब वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, जिसके कारण ब्लड हार्ट के बाहर जाएगा, हार्ट के अंदर आएगा। ये थी बच्चे लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इट स्टार्ट्स विद एस एनोड विच इज द पेस मेकर, देन एवी नोड विच इज द पेस सेटर, देन बंडल ऑफ हिज, एंड फाइनली परकिंजी फाइबर्स विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये आपको याद रखना है, इस पे जो कॉमन एमसीक्यू है, पेस मेकर, पेस सेटर, और फाइनली परकिंजी फाइबर पे आएगा। बच्चे लोग ये तो काफी इजी वाला पार्ट था, अब हम आते हैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बोले तो क्या, कार्डियक साइकिल बोले तो वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। कार्डियक साइकिल इज द वन कंप्लीट सर्क्यूलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। इसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब बच्चे लोग कार्डियक साइकिल का मीनिंग तुम्हें लिख लिया, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये हमें देखना है। कार्डियक साइकिल में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, दो न्यू शब्द, एक है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है बच्चों लोग, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन। सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन। अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्शन होने पे ब्लड अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, और रिलैक्सेशन होने पे ब्लड अंदर आएगा कि बाहर जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, एक बॉटल लो पानी से भरी हुई, उसको प्रेस करो, उसे कॉम्प्रेस करो, पानी कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ऑन सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड मूव्स आउट, ब्लड मूव्स आउट। और डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन, इस वक्त क्या होने वाला है, ब्लड मूव्स इनसाइड, इनसाइड। तो सिस्टोल के वक्त हार्ट में से ब्लड बाहर जाएगा, डायस्टोल के वक्त हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। ये थे बच्चे लोग दो बड़े बड़े शब्द। अब हमें देखना है ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऑरिकुलर सिस्टोल से। जो सबसे पहले शुरू होता है, फर्स्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज ऑरिकुलर सिस्टोल या फिर एट्रियल सिस्टोल। एकदम छोटू सा फेज है बच्चे लोग, ये सिर्फ और सिर्फ कितनी देर के लिए होता है पता है, 0.1 सेकेंड। एकदम छोटू सा है, कितने देर के लिए है, 0.1 सेकेंड के लिए होता है। अब इतनी सी देर में आप बोलोगे ये क्या ही कर लेगा, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ऑरिकुलर सिस्टोल के वक्त क्या होने वाला है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड कहां से कहां जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था पिछले पांच में, ब्लड हमेशा ऑरिकल से कहां जाता है, वेंट्रिकल्स में। तो ब्लड, ब्लड मूव्स फ्रॉम, फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। ब्लड को अगर ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाना है तो किसे ओपन होना पड़ेगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ओपन होना पड़ेगा ट्राई और बाय कस्पिड वॉल्स। क्या ओपन हो गए, ट्राई और बाय कस्पिड वॉल्स ओपन हो जाएंगे। तो बच्चे लोग ये था ऑरिकुलर सिस्टोल, जो कि सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है, जिसके वक्त हमारे दोनों भी ऑरिकल्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड जाएगा ऑरिकल से वेंट्रिकल में, यानी कि अगर ये मेरा हार्ट है, सारा का सारा ब्लड भी कहा था ऑरिकल्स में, ये सारा का सारा ब्लड ऑरिकल्स में है। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, क्या ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा मेरा एवी वॉल्व, एवी वॉल्व ओपन हो गया। अब अगर एवी वॉल्व ओपन हो गया तो सारा का सारा ब्लड ऑरिकल से चला जाएगा वेंट्रिकल में। तो ब्लड मूव्स फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो गए। ये सिर्फ कितने देर के लिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। इसके बाद हमारा ऑरिकल डायस्टोल में चला जाएगा, रिलैक्स करने चला जाएगा। तो नेक्स्ट होता है ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल कितने देर के लिए पता है आपको,
0.7 सेकेंड्स, बहुत बड़ा फेज है 0.7 सेकेंड, जिसके वक्त दोनों के दोनों ऑरिकल्स क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करेंगे, ऑरिकल्स रिलैक्सेस। इतना ही अभी के लिए याद रखो, इसमें मैं वापस आगे जाऊंगा, फिर पीछे आके इसके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। अब थर्ड फेज है बच्चों लोग, जो आपको याद रखना है, ऑरिकल जब डायस्टोल के लिए शुरू करते हैं उसी के टाइम पे साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होता है, उसी के टाइम साइमल्टेनियसली क्या शुरू होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर के लिए चलता है, ये भी अच्छे देर के लिए चलता है 0.3 सेकेंड। कितने देर के लिए चल रहा है भाई, 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या क्या होता है पता है आपको? सबसे पहला वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉमन सेंस है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो ब्लड कहां से कहां जाना चाहिए, ब्लड जाना चाहिए वेंट्रिकल से बाहर, तो वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है इस वक्त, वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है, ब्लड मूव्स आउट ऑफ वेंट्रिकल, ब्लड मूव्स आउट ऑफ वेंट्रिकल। अब मुझे बताओ ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर जाना है, ब्लड वापस ऑरिकल में जा सकते हैं, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, जो आपके बाय और ट्राई कस्पिड वॉल्व है, वॉल्व क्लोजेस, और जो बंद होने पे एक आवाज बनाता है, ये जो बाय कस्पिड ट्राई कस्पिड वॉल्व है ना, ये ऐसा था, शुरू था ब्लड नीचे आ रहा है, ये बंद हो गया, बंद होने से एक आवाज तैयार होगा, वो आवाज होता है बच्चे लोग लब, वो क्या होता है, लब करके एक आवाज होता है, और ये लब है ना, लब ये है फर्स्ट हार्ट साउंड, लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि हमें सुनाई देता है, विच इज लब, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। ये दोनों बंद हो गए तो क्या ओपन होगा, ओपन होगा सेमी लूनार वॉल्व, क्या ओपन होगा, सेमी लूनार वॉल्व, और सेमी लूनार वॉल्व ओपन होने के बाद ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा बच्चे लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहां जाएगा, थोड़ा सा याद करो, वेरी गुड, सिस्टमिक ऑर्टा में, सिस्टमिक ऑर्टा, तो ब्लड वेंट्रिकल के बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो ये सारा इवेंट था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ब्लड पल्मोनरी ट्रंक ऑन राइट साइड ऑन द लेफ्ट साइड मूव्स इनटू द सिस्टमिक ऑर्टा। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल टोटल 0.3 सेकंड्स के लिए हो रहा है, इस वक्त क्या होने वाले, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो ब्लड वेंट्रिकल के बाहर जाना चाहिए, ब्लड को वेंट्रिकल के बाहर जाना है, सबसे पहले किसे बंद करना पड़ेगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व को, इनके बंद होने से एक आवाज तैयार होगा, उस आवाज को हम कहते हैं लब, जो कि है फर्स्ट हार्ट साउंड। अब एवी वॉल्व बंद हो गया है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो गया है, क्या ओपन होगा, सेमी लूनार वॉल्व ओपन, सेमी लूनार वॉल्व ओपन हो गया, जिसके कारण राइट वेंट्रिकल में से ब्लड चला गया पल्मोनरी ट्रंक में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया सिस्टमिक ऑर्टा में। इसके बाद अब हमारे दोनों भी वेंट्रिकल्स रेस्ट करने वाले, अब दोनों भी वेंट्रिकल्स रेस्ट करेंगे तो हमारा फोर्थ फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर के लिए हो रहा है बच्चे लोग, 0.4 सेकेंड्स के लिए, 0.4 सेकेंड्स के लिए हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, इस वक्त क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेस। अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे तो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाने वाला है क्या, नहीं जाएगा ना, वेंट्रिकल से बाहर ब्लड नहीं जा रहा है, तो क्या बंद होना चाहिए, क्या बंद होना चाहिए, सेमी लूनार वॉल्व क्लोज होने से एक और आवाज जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं डब, जिसे क्या कहते हैं, डब, और डब है सेकेंड हार्ट साउंड। आपको याद रखना है लब
which is produced by closure of AV valve, which was the first heart sound, and dub produced by closure of semilunar valve is the second heart sound. ये सेकंड हार्ट साउंड तैयार हो गया, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, सेमिलुनर वॉल्व बंद है, एवी वॉल्व बंद है, इस वक्त सारा का सारा हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, आपको ये याद रखना है। ये था वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए। तो बच्चे लोग ये थी आपकी पूरी कार्डियक साइकिल। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, मैं आपको एक थोड़ा सा सर्कल के फॉर्म में ये समझाता हूँ। एक मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ये सर्कल में बच्चे लोग फर्स्ट फेज हम शुरू कर दे, कंसिडर करो, ये था फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज हमने कौन सा देखा था, ये 0.1 सेकेंड था, एट्रियल सिस्टोल। ये क्या था बच्चों, एट्रियल सिस्टोल, ये आपको पता है एट्रियल सिस्टोल है, इसमें कुछ डाउट है नहीं। इसके बाद क्या शुरू होता है, एट्रिया का डायस्टोल। तो कौन सा कलर ले लूँ, ब्लैक तो हो गया, व्हाइट ले ले दो, यहां से लेके ये व्हाइट वाला क्या है, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल कितनी देर के लिए हो रहा था बच्चों, 0.7 सेकेंड। इसमें कुछ दो रहा है नहीं, काफी इजी है एट्रियल डायस्टोल। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब शुरू होता है, एट्रियल सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो रहा है। मतलब कौन सा कलर लूं मैं, रेड कलर ले लेता हूं, ये यहां से लेके रफली कंसिडर करो यहां तक 0.3 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्या हो रहा था बच्चे लोग, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। आपको अच्छे से याद रखना है वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब शुरू होगा, एट्रिया का सिस्टोल होने के बाद ही वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल दोनों साथ में शुरू हो रहा है, दोनों की दोनों साथ में शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो वेंट्रिकल का डायस्टोल कहां से कहां तक है, ये लाल वाली से लेके ये लाल तक, ये क्या है, वेंट्रिकल का डायस्टोल है। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये है वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.4 सेकेंड। कितना टाइम है ये, 0.4 सेकेंड। अब मुझे अच्छे से एक चीज ऑब्जर्व करके बताओ, आपको ये जब डायग्राम आप देख रहे हो, पूरा का पूरा हार्ट कितने देर के लिए डायस्टोल में, पूरा का पूरा हार्ट कितने देर के लिए रिलैक्स कर रहा है, entire heart is in diastole for dash dash second, कितने देर के लिए है भाई, वो पार्ट मेजर करते हैं। कौन सा कलर ले लूं मैं, सारे कलर हो गए ना मेरे, चलो ये येलो कलर फिर से ले लेता हूँ। अब ये अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट से लेके से ये पॉइंट तक, ये जो इतना वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस वक्त पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, पूरा का पूरा हार्ट डायस्टोल में है। तो बच्चे लोग ये है 0.4 सेकेंड, ये कितना देर है, 0.4 सेकेंड, जिस वक्त हमारा पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कंप्लीट या फिर जॉइंट डायस्टोल। इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट या फिर जॉइंट डायस्टोल, जो कि होता है 0.4 सेकेंड, जो कि कितने देर के लिए है, 0.4 सेकेंड। ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। शुरुआत करते हैं एट्रियल सिस्टोल से, एट्रियल सिस्टोल यानी कि यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, एट्रियल सिस्टोल कितने देर के लिए है, 0.1 सेकेंड, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब दो चीजें शुरू हो रही है, क्या क्या शुरू हो रहा है, एट्रिया का डायस्टोल, ये जो हमने व्हाइट से ड्रॉ किया था, ये यहां से व्हाइट वाला यहां तक, यहां से लेके यहां तक 0.7 सेकेंड, ये था एट्रिया का डायस्टोल 0.7 सेकेंड। इसी के वक्त क्या शुरू होता था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है, यहां से लेके यहां तक ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। उसके बाद क्या है, वेंट्रिकल का डायस्टोल, जो कि हमने ब्लू कलर वाला ड्रॉ किया है, ये यहां से लेके यहां तक ये है वेंट्रिकुलर का डायस्टोल 0.4 सेकेंड। तो पूरा का पूरा हार्ट कितने देर के लिए रिलैक्स कर रहा है, वो है ये वाला पार्ट, ये कितना है 0.4 सेकेंड, जिसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल या फिर कंप्लीट डायस्टोल। अल्टीमेटली बच्चों ये सारी की सारी साइकिल में आपको जो जो याद रखना है ना, वही मैं आपको बताता हूँ।
आपको सिंपल याद रखना है एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.4 सेकेंड। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व प्रोड्यूसेस लब फर्स्ट हार्ट साउंड, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व प्रोड्यूसेस डब सेकेंड हार्ट साउंड। ये आपको चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। फाइनली जॉइंट डायस्टोल या फिर कंप्लीट डायस्टोल इज द टाइम ड्यूरिंग विच इंटायर हार्ट इज इन डायस्टोल फॉर 0.4 सेकेंड्स। ये थी बच्चे लोग हमारी कार्डियक साइकिल। अब बच्चे लोग एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये पार्ट में कवर कर रहे हैं, छोटू सा कंसेप्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट है कार्डियक आउटपुट। कंसेप्ट हमें क्या सीखना है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट सीखने से पहले हमें दो से तीन और न्यू शब्द सीखने हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट, अब हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट यानी कि एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल। हार्ट बीट यानी कि वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। एक बार हाथ रिलैक्स हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं हार्ट बीट। अब एक मिनट में कितने बार हार्ट बीट होगी उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। उसे हम क्या कह रहे हैं? हार्ट रेट। हार्ट रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट्स पर मिनट। हार्ट बीट्स पर मिनट, एक मिनट में हार्ट कितने बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने बार रिलैक्स होगा, ये हो गया हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है बच्चे लोग? नॉर्मल हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल वैल्यू है, आइडियल वैल्यू है जो कि हमारी होनी चाहिए। आइडियल के आजू बाजू होती है, हमेशा 72 नहीं रहेगी, रफली ये होती है 60 से लेके 80 तक। इसके बाद एक और न्यू शब्द है बच्चे लोग आपके लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। ब्लड पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल, बाय वेंट्रिकल इन ईच हार्ट बीट। ईच हार्ट बीट, एक सिस्टोल के वक्त कितना ब्लड बाहर जा रहा है उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का नॉर्मल वैल्यू होता है 70 ml। नॉर्मल वैल्यू कितना है? 70 ml, यानी कि एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा 70 ml ब्लड बाहर जाएगा। कितना ब्लड बाहर जाएगा? 70 ml। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि था कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। इट इज द ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट इन वन मिनट। इट इज द ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट इन वन मिनट। इन वन मिनट स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट इन ईच हार्ट बीट। कार्डियक आउटपुट क्या है? ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट इन वन मिनट। तो कार्डियक आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है बच्चे लोग? मैंने आपको बोला 70 ml। हार्ट रेट कितना है? नॉर्मली होता है 72 बीट्स पर मिनट। तो आइडियल कार्डियक आउटपुट कितना रहेगा? 5040 ml पर मिनट। तो ये रहेगा हमारा कार्डियक आउटपुट, मतलब एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट के बाहर जा रहा है? 5040 ml, रफली 5 लीटर ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है, हार्ट के अंदर भी आ रहा है। बच्चे लोग ये था कार्डियक आउटपुट, और इस पे काफी काफी डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ये सारा फॉर्मूला लर्न करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसपे से आपको अलग अलग वैल्यूज देगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मैथ्स की आपको जरूरत पड़ेगी, बट काफी ईजी मैथ रहेगा। तो बच्चे लोग ये पार्ट में हमने कवर किया था कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट। आई होप आपको ये समझा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आ सकते हैं मैंने सब आपको बताया है। बस एक बार अच्छे से वीडियो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से वीडियो देखो। मैं गारंटी देता हूँ आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस पार्ट में यहीं पे रुकता हूँ बच्चे लोग। अगले पार्ट में हम फाइनली ये टॉपिक के लिए लास्ट बार मिलेंगे। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे कार्डियक डिजीजेस, और इस चैप्टर को बाय बाय बोल देंगे। चलो बच्चे लोग यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।